वेरी गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम टू सिविल स्टाफ एंड वेलकम टू एच पी डी कमीशन मॉक टेस्ट फॉर द सब्जेक्ट बायोलॉजी हां जी जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट आर सेशन हां जी ऑडिबिल है सबसे पहले मुझे यह भी बता दो एम आई ऑडिबिल ओके okay जी थैंक यू थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन सो विदाउट वेस्टिंग टाइम गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलिए सो ऑल द वेरी बेस्ट टेस्ट है आपको क्या करना है कि एंड में आपको ये देखना है कि आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ठीक है क्लास बहुत छोटी है यानी कि जो आपका आज जो हम कर रहे हैं दैट इज योर ऑब्वियसली फाइलम हम कर रहे हैं आपका इकाइनो फाइलम वही है इकाइनोडर इकाइनो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आज डिस्कस करेंगे पहली चीज सबको रिप्लाई करना है ठीक है तो अब आप ये सोच लो कि आप अब बाय हो गलत हो सही हो कोई मतलब नहीं है यहाँ पर कि सही है गलत है द थिंग इज कि आपको कितनी चीजें आती हैं कितनी चीजें आपको समझ आ रही है कितनी चीजों में आपके क्वेश्चन जो है वो ठीक है सही है गलत है बाद में देख लेंगे पहले ये देखेंगे कि, कि कितनी क्वेश्चंस को हम किस तरीके से ले पा रहे हैं आपका जो फाइलम है वो है आपका एकाइनोडर्म सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन ये आपके uh, सिविल स्टाफ जो है टीचिंग एग्जाम्स पेड इनिशिएटिव्स में सारे के सारे आप इनमें से एनरोल कर सकते हैं जो भी स्टूडेंट आप में से एचपी टीजीटी पीजीटी ऑनलाइन कोर्सेज आपका पीजीटी का भी चल रहा है क्योंकि पीजीटी का एग्जाम भी आपका 2024 के अंदर आ जाएगा टीजीटी टी भी आई गया ऑलमोस्ट अब इसके बाद पीजीटी भी होगा तो जो बच्चे टीजीटी दे रहे हैं वो पीजीटी भी दे सकते हैं सबसे पहली बात तो अभी ऐसा एक एग्जाम पे रिलाई करना वो भी अच्छी बात नहीं होती कई बार क्या होता है कि आप छोटे की चीजों के लिए प्रिपेयर करते हैं बड़ा एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उस केस में यू कैन ऑल्सो गो फॉर पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट है लेवल अप रहेगा क्लासेस का भी और आपके एग्जाम का भी यहाँ आपने टीजीटी टी के अंदर तो जो क्लासेस की हैं उससे थोड़ा आपको एडवांस मिलेगा ठीक है जी क्योंकि ऑब्वियसली पीजीटी है तो चीजें आप थोड़ा और ज्यादा डिटेल में होंगी कुछ चीजें आपको टीजीटी की हो सकती है कि आपको मैंने क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को टीजीटी के अंदर भी वो सारी चीजें करवाई है जो पीजीटी के लिए आपको हेल्पफुल रहेंगे कुछ कुछ चीजें हैं नॉट एवरी वन पीजीटी में सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है सिलेबस के आपको एक एक चीज वहाँ डिफाइन की गई है कि पीजीटी बायोलॉजी के अंदर आपको एग्जामिनर जो है वो क्या क्या पूछ रहा है तो आपको उस एग्जाम से उस एग्जाम पैटर्न के या फिर उस एग्जाम सिलेबस के हिसाब से मैंने आपको वो पूरा का पूरा कोर्स जो है वो आपका वो पूरा कोर्स ऑनलाइन ऐसे ही बना आपका ताकि आपको पीजीटी जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वो चीजें चले डेप्थ में होगा पहले बता रही हूं और आपको सेल्फ स्टडी कर तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो बट गो फॉर पीजीटी एज वेल ठीक है तो पर्सनल एडवाइस है गो फॉर पीजीटी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज मेन फंक्शन ऑफ एम्बुलर सिस्टम इन इज एम्ब्यूलेक्रल और लाक्रल जैसे भी आप इसको प्रेजेंस करते हैं तो ये एम्ब्यूला जो होता है दिस इज योर ऑब्वियसली किस तरीके का स्टेज है पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि ये सिस्टम किस में आता है एम्बूला हम कहां पर पढ़ पढ़ते हैं या एम्ब्यूलेक्रल हम कहां पर पढ़, पढ़ते हैं जैसे भी आप इसको प्रोजेंस करना चाहते हैं बायोलॉजी में एक चीज बहुत अच्छी है कि प्रोनन्सिएशन कभी गलत नहीं होती ठीक है तो इकाइनोडर्म so, के अंदर यहां पर मेन फंक्शन क्या है सर्कुलेशन मूवमेंट डिफेंस या फिर फूड कलेक्शन सबको रिप्लाई करना है एवरीबॉडी गलत सही बाद में देख लेंगे हाँ जी वेरी गुड बी मूवमेंट वेटिंग फॉर अदर्स टू रिप्लाई देखो मॉक टेस्ट से चीजें क्लियर हो जाएगी अगर यहां पर आपके मान लीजिए आज 20 से 25 क्वेश्चन है 25 में से अगर आपके 15 क्वेश्चन भी सही हो गए तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है बी ओके करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का एज ऑप्शन नंबर बी यानी कि मूवमेंट जो मेन फंक्शन है आपका सिस्टम का इज़ योर मूवमेंट तो आपका ये किस में आता है सिस्टम इसको हम कहते हैं वाटर वस्कुलर सिस्टम यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ दी वाटर लोकोमोशन कैप्चर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर सॉरी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन ये क्या है इसके फर्दर

सीलिया यानी कि एक चीज क्लियर है कि प्लूटस लावा के अंदर सीलिया शुड बी देयर एपिकल हो सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये पूछा है आपसे तो कैरेक्टरिस्टिक क्यार, क्या रहेगा उसका कौन से लार्वा के अंदर आप उसको प्लूटस लार्वा कहेंगे जब वो एपिकल होगा जब वो हॉरिजॉन्टल होगा या फिर जब वो वर्टिकल होगा सी दैट इज वर्टिकल रो ऑफ सीलिया अलोन ओके

ठीक है कि बी और सी जो है वो आपके ऑप्शंस है यहां पर आंसर इज डी दैट इज नन ऑफ दी अबव ठीक है तो जब वो प्लूटस लार्वा जो होता है आपका दैट इज इट डज नॉट हैव एनी ऑफ दी अबव सिम्पटम्स कोई भी सिम्पटम इसमें से नहीं होता है सिंगल लार्वा स्टेज होती है एकाइनोडिक के अंदर जिसको हम प्लूटस कहते हैं और इसकी सिमिट्री होती है दैट इज बाइलेट्रल सिमिट्री तो बाइलेट्रल सिमिट्री और रेडियल सिमिट्री जनरल कैरेक्टेरिस्टिक्स है एनिमल किंगडम के अंदर ठीक है उसके बाद लार्वा की ओवल बॉडी है लॉन्ग पेयर्ड सीलेटेड आर्म्स जो कि सपोर्टेड बाय दी कैल्शियम से होती है स्केल्टल रॉड्स होती है वो ठीक है रियोरल आर्म एज प्रेजेंट बिलो दी Arm is absent. So, जो बाकी की तीन बन रही है वो एंटेरो और एनस, गट आर, so, यहां से बन गई आपकी एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लार्वा के पास कोई भी स्टेज नहीं होती है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इकाइनोडर्म लार्वा इसमें से कौन सा लार्वा जो है वो इकाइनोडर्म का नहीं है बायपिनेरिया इकाइनोप्लूटस ऑरिक्यूलेरिया या टॉर्नेरिया कौन सा लार्वा इकाइनोडर्म का नहीं है ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें से कौन सा लार्वा जो है वो आपका इकाइनोडर्म का नहीं है एंड आंसर इज डी वेरी गुड

डोलियोलेरिया लारवा जो है वो कैनेडिया का है या होलो थ्रोडिया का है आप चाहें तो आप इनको जहां पर भी आपके पास नोटबुक होती है देखो जब भी आप मॉक टेस्ट देने आते हैं तो हमें अपने साथ हमेशा शीट या कोई कैसी नोटबुक लेकर आओ जिसपे आप मॉक टेस्ट के हर एक मॉक टेस्ट को लिखते हो मॉक टेस्ट का मतलब है जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी जाती है उसको आप लिख लिया लिख लो ताकि वो कट शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं आपके और हो सकता है कि जो क्वेश्चन मैंने यहां बोला है वो ना आए लेकिन यहाँ से कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसका लार्वा किसको कहते हैं ये किसका लार्वा है ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गए तो एक्सप्लेनेशन से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो इसलिए हमेशा नोट डाउन कीजिए जो एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको बताया गया है नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज ड्यूटेरोस्टोम इसमें से कौन सा एनिमल जो है वो ड्यूटेरोस्टोम है एस्टेरियास होलोथुरिया एंटर्डन या फिर ऑल ऑफ दी अबव ड्यूटेरोस्टोम कौन सा एनिमल है अब इसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ड्यूटी क्या होता है फिर आप इसको अच्छे से रिप्लाई कर सकते हैं। डी That is all of the above। डी ओके okay. डी और कोई इन इज फॉर्म फर्स्ट हम्म वेरी गुड ओके अच्छा डेफिनेशन बता रहे ठीक है ड्यूटू ओके इसमें से कौन सा एनिमल है जो फिर जो ड्यू अब आपको डेफिनेशन क्लियर है तो फिर आपको आंसर भी क्लियर होगा एंड द आंसर इज ऑब्वियसली डी दैट इज ऑल ऑफ द अब सबके अंदर जो उनका जो कैरेक्टर है वो क्या है दैट इज और आप फ्यूचर कह सकते हो कि इट इज ड्यूटीरोस्टोम ठीक है एनी मेंबर ऑफ द फैमिली कौन कौन से आते हैं इसके और के हैं। first, तो ये क्या है आपका कंसेप्ट आपका है अगर आपको ड्यूटो क्लियर है तो आपको ये पता होगा किसके अंदर ये होता है डेवलपिंग एट और नियर दी क्लीवेज कैसी होती है रेडियल होती है ठीक है और मेसोडर्म की बात करें या सिलोम की सिलोम तो से ही

इंटरनल जिसके अंदर कैल्शियम की लाइनिंग होगी मेसोडर्म के पास वो कौन सा है सैंड डॉलर सैंड फ्लाई सो बग या फिर पेपर नॉटेलस मेसोडर्मल ओरिजिन जो है वो मेसोडर्मल है एंडोस्केलेटन है एक्सोस्केलेटन नहीं है एंडो इंटरनल स्केलेटन है तो कहां पर मिलेगा आपको ऑप्शन ए बी सी या फिर डी पूरे इतमान से पूरी तसली करके देना डी नो आइडिया कोई प्रॉब्लम नहीं है नो बडी ओके नो प्रॉब्लम इट्स आंसर इज सैंडर ठीक है जी तो मीजोडोमल कैल्सियल्टन जो होती है वो आपकी बहुत सारी

एंड प्रोवाइड रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन ठीक है क्या पूछ शिल्पा? न्यू मीन वॉट ठीक है तो आपका ये है जो आपकी मिजोराम से मिजोरॉम के अंदर प्लेट्स जो होंगी कैल्सियम की प्लेट्स जो होती हैं वो क्या करती है ओवरलैप करती है एक दूसरे के साथ और एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल इकाइनोडर्म्स आर अब आपका ये जो आपका क्वेश्चन है दैट इज योर ऑल इकाइनोडर्म्स आर ड्यूटीरो पहली आपकी जो स्टेटमेंट है उस पर जो रीजन दिया जा रहा है वो ये कि ड्यूटीरोम्स के अंदर डेवलपमेंट इज इन एंड माउथ ऑरिजिनेट फ्रॉम एम्ब्रियोनिक ब्लास्ट अब ब्लास्ट से ऑरिजिनेट होता है अब इसकी एक्सप्लेनेशन ना आपने पीछे पढ़ी थी अभी अभी दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो हमने लास्ट किया था उसके अंदर एक्सप्लेनेशन के अंदर ये चीज दी गई थी वहां से अब आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका क्या होगा। आपको इसमें correct answer बताना है। Statement, दोनों सही सही है दोनों गलत है एक सही है एक गलत है सही है, reason गलत है, गलत दोनों सही है वो चीजें बतानी है आपको इसके अंदर हां जी तो ऑप्शन क्या है इसका ए बी सी या फिर डी ऑल इकाइनोडर्म्स आर ड्यूटीरोग्जाम्पल क्या दे रहे हैं वो कि मान लीजिए सारे के सारे जो होते हैं वो होते हैं इसलिए होते हैं क्योंकि डेवलपमेंट इनडिटर्मिनेट है और माउथ ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम एम्ब्रियोनिक सी हां जी सी इज दी करेक्ट अब मुझे नहीं लगता है इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है क्लियर है ठीक है क्योंकि हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ ली थी और एक्सप्लेनेशन से आप, आपको जो है वो क्वेश्चन आएगा माउथ कभी भी

रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन या फिर रिप्रोडक्शन किससे कनेक्ट करता है एरिस्टोटल लैंटर्न सुना है नाम पढ़ा है एरिस्टोटल लैंटर्न्स किससे कनेक्टेड है रेस्पिरेशन मेस्टिकेशन एक्सक्रीशन या फिर रिप्रोडक्शन B, यानी मेस्टिकेशन, ओके okay? हाँ जी, करेक्ट आंसर इज योर बी मेस्टिकेशन, फूड को एनगल्फ करने के बाद उसको चीव करना तो माउथ जो है ज्यादातर किसका सी और इज मेडअप ऑफ फाइव कैल्शियम कार्बोनेट टीथ ये बन जा गुड ठीक है शिल्पा कंसेप्ट पूरे क्लियर करके आई है कैल्शियम कार्बोनेट टीथ और जॉल इससे बना होता है ठीक है जी तो फाइव नंबर कितना है फाइव है फ्लैशी टंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एंटायर च्यूइंग ऑर्गन इज कॉल्ड एज एरिस्टोटल लेंटर्न जो प्रेजेंट होता है सराउंड द माउथ कैविटी और फैरिंग्स के एंड इट इज इन्वॉल्व इन द मेस्टिकेशन नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है एरिस्टोटल लेंटर्न इज फाउंड इन अर्किन कुकुम्बर सी एनी वन किसके अंदर मिलेगा आपको एरिस्टोटल लेंटन अब तो सब रिप्लाई कर देंगे होप फुली करना भी चाहिए आई वॉन्ट एवरीबडी टू आंसर दिस क्वेश्चन गो अहेड हां जी सबका रिप्लाई आना चाहिए इस क्वेश्चन पे तो किसे कहते हैं एरिस्टोटल लेंटन कहां पर मिलता है हाँ जी करेक्ट आंसर सी आंसर तो यहां पर भी I don't think कि यहां पर पर किसी explanation की जरूरत है फिर भी यहां पर एक ऐसे आप चाहे तो इसको pause करके वीडियो को जब आप आप देखोगे पर जाकर आप इसको भी देख सकते हो इसके अंदर रीजन क्या है कि मैंने ये सारे के सारे फीचर्स आपको लिखे हैं किसके एरिस्टोटल या फिर सी अर्कन के क्योंकि सी अर्कन पे हो सकता है कि यहां से आपको कुछ क्वेश्चन आ जाए जैसे कि पिंसर लाइक ऑर्गन किसको कहते हैं ठीक है तो यहां से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है आपको ये पूछा जा सकता है कि जैसे माउथ को बोलते हैं एरिस्टोटल टीथ ऑफ द एरिस्टोटल लेंटन को आर एक्सपेल्ड टू स्क्रैच ग्रीन ग्रोथ एंड अदर फ्रॉम फ्रॉम रॉक्स तो यहां पर आपको कुछ चीजें ऐसी मिल जाएंगी जो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है ुलर बॉडी है रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस इनर स्कैलेटन तो ये एक बार पढ़ जरूर लेना थोड़ा सा आपको वो मिल जाएगा आइडिया मिल जाएगा इसका भी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पाइल इकाइनोडर्मैट इकाइनोडर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कैसे आपको पता चलता है कि अगर आपको ये फीचर दे दिया जाए किसी और चार फीचर्स के साथ तो फिर आपको जो क्या आपको दिया गया है तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें से मतलब यूनिक फीचर जो आपके इकैनोडम्स को एक्सप्लेन करेगा वाटर वास्कुलर सिस्टम वाटर की ट्रांसपोर्ट फूड ट्रांसपोर्ट के लिए या फिर इसका हीमल सिस्टम सी यानी बोथ ऑफ दी अबव दोनों के दोनों सिस्टम्स जो हैं वो आपके एकाइनोडर्माटा को एक्सप्लेन करते हैं ठीक है जिसको आप एंबुलेक्रल सिस्टम या फिर वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंस ऑफ एंबुलेक्रल सिस्टम प्रेजेंट होता है आपका एकाइनोडर्माटा के अंदर परफोरेटेड प्लेट को क्या बोलते हैं मेड्रेपोराइट प्रेजेंट होती है आपकी परफोरेटेड प्लेट इकैनोडर के अंदर इसी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है और जो मेड्रेपोराइट के पोर्स होते हैं वो आपके अलाउ करते हैं वाटर मूवमेंट इन टू दी आपके सिस्टम जो भी आपका सिस्टम है इसका इसमें वाटर की मूवमेंट उन पोर्स के थ्रू होती है ठीक है जी और ट्यूब फिट भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है सिस्टम के अंदर जो आपका ऑब्वियसली ट्यूब फिट है तो हेल्प करेगा आपकी लोकोमोशन मूवमेंट में कैप्चरिंग ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन एज वेल उसके बाद अगर हम बात करें वाटर वर्स्ट सिस्टम की तो ये सिलोमिक ऑरिजिन है ठीक और मल सिस्टम किसको कहते हैं इसके अंदर इंस्टेड ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम पर हीमल और पैरी हीमल, हीमल हीमोग्लोबिन से भी रिलेटेड आप याद रख सकते हो जैसे कि हीम का है, मतलब क्या होता है आपका ब्लड ही होता है।, यहां पर भी ये, instead, नहीं होता है लेकिन यहां पर हीमल होता है पर दोनों का फंक्शन तो वैसे ही रहेगा तो देख लेते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम है जो ओपन टाइप होता है इसलिए क्या होता है तो ब्लड जो होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट और इनके पास कोई भी हार्ट प्रेजेंट नहीं होता देर इज नो हार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चीफ फंक्शन ऑफ पेडिसलेरिया इन स्टार फिश इज अब देखो पीछे एक्सप्लेनेशन थी आगे आपको इस पर क्वेश्चन आ गया चीफ ये पीजीटी का क्वेश्चन है आपका सॉरी uh, टीजीटी का ठीक है चीफ क्वेश्चन ऑफ पेडिसलेरिया इन स्टार फिश इज टीजीटी का क्वेश्चन आया है बहुत पुराना क्वेश्चन है टीजीटी के अंदर पूछा गया है ये आपका आज तक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन है चीफ फंक्शन क्या रहता है रेस्पिरेशन कैप्चरिंग क्लिंजिंग या फिर फीडिंग अब देखो आपके लिए ये क्वेश्चन का आंसर करना कितना इजी हो जाएगा जब आपने एक्सप्लेनेशन कर लिया है क्योंकि हमें एक्सप्लेनेशन अच्छे से पता है हमने अभी पढ़ी है तो वहां से क्वेश्चन आएगा तो वी कैन इजीली सॉल्व इट हां जी सी दैट इज क्लिंजिंग तो इसका काम क्लिंजिंग का होता है ठीक है अब इसके पास ओरोल और एबोरल सरफेसेस होते हैं ओरल और एबोरल दोनों सरफेसेस होते हैं स्टारफिश के पास जो कि स्मॉल विट्रिश या व्हाइटिश आपके स्पेशलाइज्ड जॉ लाइक अपेंडेजेस जिसको हम पेडिसलेरिया कहते हैं इनका काम क्लेजिंग का है दे कीप द बॉडी सरफेस क्लियर ऑफ एल्गी एंड अदर डेब्रिस और, और कई बार वो आपकी कैप्चरिंग में भी हेल्प करते हैं किसकी स्मॉल प्रे तो अगर कॉम्बिनेशन में आ जाए ये क्वेश्चन तो कैप्चरिंग और क्लिनिंग दोनों कर सकते हो क्योंकि कुछ एक्सेंट में ये कैप्चरिंग भी करता है अगर ऑप्शंस आपके कॉम्बिनेशन में आ गए तो यानी वो आपका प्रोबेबल के साथ साथ दूसरा कनेक्ट करता है स्टोन केनाल किसको करता है रिंग केनाल को पोलियन वेसिकल के साथ रिंग केनाल एंड रेडियल केनाल मेड्रेपोराइट अब आपको पता है ये pores present होते हैं। रिंग केनालोराइट या फिर पोलियन वेसिकल किसके साथ कनेक्ट करते हैं स्टोन यानी स्टारफिश सी मेड्रेपोराइट एंड रिंग केनाल हां जी वेटिंग फॉर एवरी वन टू रिप्लाई सी हाँ जी सी इज दी करेक्ट आंसर वेरी गुड मैक्सिम क्वेश्चन तो स्टारफिश क्या है यानी एक सेनाडा में जिसका वाटर वास्टोर सिस्टम होगा सेंट्रल केनाल है ट्यूब ट्यूबलाइट चैनल ट्यूब फिट में प्रेजेंट होते हैं वाटर एंटर करता है मेड्रोपोराइड पोर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं फर्दर सर्कुलेट बाय दी स्टोन केनाल टू दी रिंग इनटू दी रेडियल केनाल ठीक है फिर रेडियल केनाल कैरी के के करती है वाटर आप चाहो आपको एक ट्रिक बताती हूँ मान लो जैसे आपको अभी तो एक्सप्लेनेशन है मान लीजिए कि आप इसको एज इट इज अपनी कॉपी पे उतार रहे हो तो उसमें दे ये लिखना दे हैव और ये ये यूजलेस चीजें होती हैं। अ शॉर्ट नोट शॉर्ट नोट का मतलब है फ्लो चार्ट में कहाँ से रिंग केनाल से रेडियल केनाल रिंग केनाल से रेडियल केनाल के अंदर गया है वो ऐसे करके एक फ्लो चार्ट बना लो और एक आइनोडम में अगर ये फ्लो चार्ट बार बार चलता तो ब्रैकेट में लिखते रहो ये किस किस में एप्लीकेबल है इजी चार चीजें एक ही डायग्राम में आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी दिस इज हाउ यू स्टडी एनिमल किंगडम मैं आपको वही वे बता रही हूं जिस वे से मैंने पढ़ा है मैं उसी वे से आपको बता रही कि यही तरीका है वरना बहुत लेंदी हो जाएगा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है ऐसे कंफ्यूजिंग नहीं होगा कभी भी नहीं होगा वैसे तो गलतियां करना ह्यूमन नेचर है बट स्टिल वो सबसे हो जाती है मुझसे भी हो जाती है कोई प्रॉब्लम नहीं है बात सिर्फ इतनी है कि आपको जब आप उसको दोबारा पढ़ो तो आपको आपको भी डाउट कि ये सही है नहीं कंफ्यूजन उसी को होते जिसमें चीजें पढ़ी होती हैं ठीक है तो इसमें वो चीज़ करने की जरूरत नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है बट कभी भी ऐसे नहीं पढ़ते हैं कभी भी नहीं पढ़ते हैं एज इट इज़ आपको नोट्स भी दिए गए हैं जो बच्चे एनरोल्ड है जिन्होंने टीजीटी का कोर्स किया है आपको भी बहुत प्रॉब्लम आती है बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन होता है समझ नहीं आ रहा है नोट्स बहुत डिटेल में है तो मैं आपको यहाँ पर भी ये चीज़ बोल रही हूँ कि नोट्स जो आपको मिले हैं ऑब्वियसली वो हाईली एडवांस ही होंगे क्लास में मैं आपको समझा रही हूँ कंसेप्ट क्लियर करवा रही हूँ वहाँ जाके आप नोट्स में उससे ज़्यादा मिलेगा यही नोट्स हैं ठीक है ये नोट्स ऐसे ही होते हैं आपको हमेशा उसमें ज्यादा मिलेगा आपको उसके अंदर चीजों को जो है अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं हमेशा अपने नोट्स बनाओ नोट्स तो आपको मिल नोट कंपाइल्ड है वो सेंट्रलाइज्ड है अब उस सेंट्रलाइज से भी आपको अपने नोट्स जो है वो दोबारा निकालने हैं ताकि आपको रिविजन करने में प्रॉब्लम ना आए नेक्स्ट विच वन इज नॉट अ लार्वल स्टेज ऑफ स्टार फिश स्टार फिश का लार्वल स्टेज इसमें से कौन सा नहीं है प्लान्यूला डाय प्लूरूला बायपिनेरिया या ब्रैक्यूल अब ये एलिमिनेशन मेथड आप इसमें लगा सकते हो क्योंकि हमने इसमें से एक दो लार्वा पहले भी पढ़े हैं कि वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं ऐसा करने से दो ऑप्शंस के नेगलेक्ट हो जाएंगे दो बचेंगे उसमें से आपको एक चीज बतानी है तो कौन सा जो है वो लार्वा नहीं है स्टारफिश का एक, प्लान ओके एनीबडी एल्स टू आंसर हमोन न आंसर यू इट्स वेरी इजी बहुत ईजी है कोई प्रॉब्लम नहीं है करो गलतियां करोगे तो ही सीखोगे पार्टिसिपेट क्लास में पार्टिसिपेट करो ए आंसर इज ए एज देक्ट आंसर बाकी तीन के तीन वो क्या है आपके लार्वा है सिर्फ ए जो है पैन्यूला लार्वा वो आपका फ्री स्विमिंग लार्वा है सिलियेटेड है किसका है डिफरेंट निडेरियन

ज अ वेरी 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 इजी क्वेश्चन स्टोन केनाल जो स्टार फिश के अंदर है वो किससे जुड़ा है ब्लड वास्कुलर से है या फिर केनाल सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम है या वॉटर वास्कुलर सिस्टम है यहां तो एटलीस्ट सब रिप्लाई कर सकता है Come on, everyone. एक ऑप्शन ही टाइप करना है ए बी सी डी एंड सेंड्स ओके okay. हां जी डी इज द करेक्ट आंसर वाटर वास्कुलर सिस्टम डी इज द करेक्ट आंसर बहुत इजी है एक ऑप्शन टाइप करना है आपको कमेंट बॉक्स में सेंड इट जो भी लग रहा है सेंड ओके ओके जी सो हेयर इज द एक्सप्लेनेशन एंड आई हैव सम लाइक यू नो ब्लड वास्कुलर सिस्टम एसोसिएटेड होता है ह्यूमन बीइंग्स के साथ क्या सिस्टम स्पेसिफिक है पॉरीफेरा का देखो डाइजेस्टिव सिस्टम केनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है और ये इंक्लूड करता है आपका ऑर्गन टू डाइजेस्टिव फूड मटेरियल फिर आप वाटर ये वॉटर वास्लर एसोसिएटेड होते सिस्टम के साथ और ये मेड्रोपोराइट से वो करते हैं तो बार बार मेड्रोपोराइट और ये वाटर वास्लर सिस्टम क्योंकि ये आपका यूनिक फीचर भी है इसलिए बार बार आ रहा है इसके अंदर ठीक okay. कि है ओके टाइडमैन बॉडीज आर वन ऑफ एसेंशियल पार्ट ऑफ दूलेक सिस्टम ऑफ द स्टारफिश एंड आर क्लोजली एसोसिएटेड विद ये किससे एसोसिएटेड है टाइडमैन बॉडीज जो है वो असेंशियल पार्ट है एबुलिक्रल सिस्टम यानी वाटर पासपर्ट सिस्टम का अब आप ये देखो ये किससे से देखो दिमाग अब बहुत ईजी हो जाएगा अब इतने टाइम से इतने क्वेश्चन हमने कर लिया है जहां पर हमने इतनी सारी चीजें देख ली हैं कि कहां पर ये चीज होती है अब एक बॉडीज है जो असेंट्रल पार्ट है एबुलिक्रल सिस्टम का वो क्या है वाटर पासपोर्ट सिस्टम स्टारफिश का वो किससे क्लोजली एसोसिएटेड होंगे स्टोन के नाल रिंग के नाल रेडियल या इलेक्ट्रल दो तो एलिमिनेट वैसे ही हो जाएंगे इसमें अगर आप गौर से देखोगे दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकती है ए और बी में फिर भी फिर भी थोड़ा ध्यान से और करोगे तो आंसर आ जाएगा हां जी करेक्ट आंसर इज बी दैट इज रिंग के नाल हां जी बी इज दी करेक्ट आंसर ठीक है स्टोन के नाल जो है वो वर्टिकल कैल्सियम यानी कैल्शियम से बनी ट्यूब है जो कनेक्ट करती है आपके रिंग के नाल को और फिर दी माउथ रिंग के नाल के अंदर देर आर स्मॉल सैक्स इनको टाइटमेंट बॉडीज कहते हैं ये डिजाइंड टू कैप्चर दी और रपचर एनी बैक्टीरिया सेल्स दैट मेड एट दिस फार इन टू दिस्टम आर फाइव पेयर इन दी कितने पेयर होते हैं स्टार फिश के अंदर फाइव तो so, ये बनता है आपका नेक्स्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड द डायरेक्ट वन कितने पेयर होते हैं स्टार फिश के अंदर टाइडमेंट बॉडी के फाइव नेक्स्ट हाइपोथेटिकल लार्वा दैट ब्रिंग्स एवोल्यूशनरी क्लोजनेस बिटवीन दी कॉर्डेटा एंड इकैनोडमेट कौन सा ऐसा लारवा है जो हाइपोथेटिकल एवोल्यूशनरी क्लोजनेस बताता है कॉर्डेट और इसका कॉर्डेट से करते हो ना आप इकैनोडोटा के बाद तो क्या क्लोज रिलेशनशिप है ऐसा कौन सा लार्वा है जो इनको क्लोज बनाता है ट्रोकोफोर बायपिनरिया या फिर या फिर आपके डाय हाइपोथेटिकल लार्वा दैट ब्रिंग्स एवोल्यूशनरी क्लोजनेस कि वो एवोल्यूशन के टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो कॉर्डर्ट और कैनडम्स जो है वो क्लोजली एसोसिएटेड है ए बी सी या फिर डी एवोल्यूशनरी क्लोजनेस और और कोई इसका रिप्लाई करना चाहता हो? डी इज दी करेक्ट आंसर डाय क्लोरोला वो एक ऐसा आपका लार्वा है एपोथेटिकल जो दोनों को कनेक्ट करता है ठीक है ये हाइपोथेटिकल एंसेस्टर है विच इज स्मॉल और कोलेटेड बायलेटरल बेंथिक या फिर पेलागिक जिसका मतलब है कि ये अपर और लोअर वाटर में रहती है ठीक है किसके अंदर ओपन सी के अंदर डायप्लोरल लार्वा हैज कॉमन ट्रेट्स जो इकोनोडोमेट हेमिकॉर्डेट्स है, और कॉर्डेट्स से मिलता है नेक्स्ट मेड्रेपोराइट इज एसोसिएटेड विद अब बताओ मेड्रेपोराइट right तो एसोसिएटेड है ये क्वेश्चन तो बहुत, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है जैसा इस क्वेश्चन को फील करने के बाद आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आया है ना जैसे मैं मेड्रोप्रेट फटाफट से ऑप्शन सी विच इज करेक्ट वन ठीक है सी जो आंसर है वो करेक्ट है नो डाउट ठीक है तो जैसा कॉन्फिडेंस अब इसको करने में आया है ना ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं जो कॉन्फिडेंस जो फील अभी आता ना है ना आप आप उस चीज को फील कर सकते हैं जो फील आप लोगों के अंदर आया है इस क्वेश्चन को देखते ही कि भाई इसका आंसर तो ये है बिना सोचे बिना सेकंड थॉट कि क्या हो सकता है बिना डाउट के बिना कंफ्यूजन के इस तरीके की प्रेपरेशन करनी है हमको बस इस लेवल तक लेकर जाना है खुद को कि किसी और ऑप्शन पे डाउट हो ही ना सोचना भी ना पड़े वेरी गुड नेक्स्ट वाटर वॉटर ऑफ अब ये भी इजी क्वेश्चन है अब तो इजी है वॉटर वास्कर सिस्टम इज अ फीचर ऑफ किंग क्रैप स्टेरियस बेलनोग्लॉस या फिर स्पॉन्जेस इसमें भी बहुत अच्छा लग रहा होगा अंदर से बहुत अच्छा फील आ रहा होगा अरे ये तो आता है हां जी करेक्ट आंसर स्टारफिश वही तो है आपकी वाटर मास्को सिस्टम इकैनोडर्म्स के अंदर नेक्स्ट ट्यूब फिट इन इकानोडर्म्स का क्या फंक्शन होता है इकैनोडर्म्स के अंदर लोकोमोशन रेस्पिरेशन न्यूट्रिशन या फिर ऑल ऑफ दी अब क्या आंसर होगा आपका ट्यूब फिट का किसमें हेल्प करता है लोकोमोशन रेस्पिरेशन ऑल ऑल ऑफ़ ऑफ़ द ओके आंसर डी डी सिंपल क्वेश्चन जी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड है इसको थोड़ा ध्यान से करना बॉडी वॉल्स ट्यूब फिट पेडिसलेरिया या पेपले कौन सा इसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है रेस्पिरेशन के लिए सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव लोकोमोशन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ये तुम तो वैसे भी करते हैं हां जी डी इज द करेक्ट आंसर पेपुल इज दी

नेक्स्ट क्वेश्चन बट सिमेट्रिकल लार्वा जिनके पास रेडियली सिमेट्रिकल एडल्ट है और लार्वा की बात करें तो वो बायोलेट्रल सिमेट्रिकल है निडेरिया इकाइनोडर्मेटा हां जी डी इज द करेक्ट आंसर ऑब्वियसली कर रहे हैं तो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके कोड्स अब इसको ध्यान से करना कि कुछ यूनिक सा क्वेश्चन है देखो आपको पीचर्स दिए गए स्लगिश है हाईली मोबाइल है आर्म्स प्रेजेंट है आर्म्स एब्सेंट ओरल प्रेजेंट एब्सेंट दोनों हो सकती है ओरल सरफेस डायरेक्टेड अपवर्ड्स ओरल सरफेस डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स इसमें से अब आपको यहां पर दिया गया है कुछ कोड्स यानी वन फोर सिक्स फोर सिक्स वन ये फीचर्स इसमें से कौन सी क्लास ऑफ e से मैच करता है कौन सी यानी कि चारों चारों क्लासेस इकॉनोडम्स e की है इसमें से कौन सी ऐसी क्लास है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म होते हैं आर्म्स एब्सेंट होती है एंड ओरल जो सरफेस है वो डायरेक्ट दी डाउनवर्ड्स यानी ये है आपके एस्टेरियस ये है इकाइनोडिया ये है होलोथोरबिया या ये है क्रीनोडिया विच वन इज द करेक्ट आंसर वन फोर सिक्स वन फोर सिक्स कौन सा है आर्म्स किसके अंदर एबसेंट होती है ये भी पता चल गया ना अगर आर्म्स किसके अंदर एब्सेंट होती है तो भी हाँ थोड़ा सा थोड़ा सा लग जाएगा ट्राई इट्स ओके गलत होगा कोई बात नहीं ट्राई क्या लगता है स्लगिश आर्म्स एबसेंट है और डाउनवर्ड की तरफ है ओरल सरफेस बी इज द करेक्ट आंसर करसर स्लगिश आर्म एपसेंट ओरल डायरेक्टेडिया वाला फीचर स्लगिशेस डायरेक्टेड डाउनवर्ड मोनोपैक्टिनेट गिलेड कहा किसके अंदर मिलती है यूनियो मैक्रोब्रेकियम या ऑक्टोपस या पाइला ये थोड़ा सा इकाइनोडर्म से बाहर से क्वेश्चन है क्योंकि इकाइनोडर्म के जो क्वेश्चंस हैं वो तो हो गए अब ये अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए आपको मोनोपैक्टिनेट गिल इज़ फाउंड इन यूनियो मैक्रोब्रेकियम ऑक्टोपस या फिर पाइला wants to try b okay very good or हाँ जी d इज द करेक्ट आंसर पाइला के अंदर होता है आपका मोनोपेक्टिनेट गिल और गिल ऑफ पाइला जिसके अंदर क्या होता है आपको लॉन्ग निडियल एक्सेस सिंगल रो ऑफ लॉन्ग सीरीज ऑफ ट्रायंगुलर लीफलेट्स इनको हम लेमिला कहते हैं तो इनको कहते हैं हम इन गिल्स को हम कहते हैं मोनोपेक्टिनेट नेक्स्ट नीडियम एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ पाइला राना स्कॉर्पियन प्रॉन नीडियम या या टीडियम किसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है पाइला का राना स्कॉर्पियन प्रॉन ए बी सी या फिर डी विच वन इज द करेक्ट आंसर यानी किसली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है ए इज द करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन के अंदर आंसर इज नीडियम रेस्पिरेटरी ऑर्गन है निडियम को गिल भी कहा जाता तो ये पीछे भी तो हमने यही किया था यही एक्सप्लेनेशन की थी ठीक है जी सो दैट इज ऑल फॉर टू डेज से आई होप कि आपको जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी लगे होंगे क्योंकि ईजी है एगार्टाउंड के ठीक है तो ये एक बार सीरीज नहीं है बार बार चलेंगे ऐसा नहीं है तो ये एक अभी तो पहला पहली राउंड पहला राउंड चल रहा है जहाँ पर आप चीजों को देख रहे हैं आप पढ़ रहे हो आप एक एक टॉपिक पढ़ रहे हो फिर वहाँ पर आपको कलेबोशन में क्वेश्चन आएंगे फिर आपको वहाँ पर वो करने पड़ेंगे तो एक पूरा मॉक टेस्ट बनेगा फिर आपको हर तरीके से प्रैक्टिस होगी टी टी आ गया है आ जाएगा कभी भी एग्जाम हो सकता है मैं पहले कह रही हूँ प्रिपेयर रहो पीजीटी भी उसके साथ साथ आ जाएगा ठीक है तो पीजीटी के लिए भी प्रिपेयर करो गो फॉर हायर लेवल एग्जाम पीजीटी में कुछ भी हो सकता है ठीक है जी तो पहले ये बताओ कि किस किस को टेस्ट किस किस का टेस्ट अच्छा हुआ है ऐसे तो मुझे भी पता चल गया है बट स्टिल आपको खुद को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए अपने उससे कि कितना ज्यादा जो है आपको क्लियर हुआ है कितने क्वेश्चंस आपको आते थे कितने क्वेश्चंस में आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत है ये सारी चीज़ें आपको खुद को पता होती है ठीक है तो उसको वो करना है आपको टॉपिक फॉर द नेक्स्ट सेशन इज योर कॉर्डिट्स कॉर्डिट्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए कॉर्डिट्स हफ्ता होता है पेपर नजदीक आ गया है स्लो स्लो चल नहीं सकते कभी भी क्वेश्चन आ सकता है सॉरी uh, कभी भी आपकी क्वेश्चन उसकी एग्जाम की डेट आ सकती है तो कॉडिट्स ठीक है ऑडिट्स को करो और पीजीटी के लिए भी करो ठीक है ओके थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सेशन बाय बाय टेक केयर